नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हम मौजूद हैं बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के अंतर्गत भगरना रामगढ़ गांव में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पे बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई है और अभी कुछ दिन पहले इसको तोड़ दिया गया। अभी इनका जो बाजू है वो उसको रिपेयर किया गया है और आप देख लीजिए। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार दिखाएं पूरा कि इस तरह से यहाँ पे कब्जागिरी हो रखा है। ये ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान के निर्माता एक महानायक के नाम पे ये फील्ड छोड़ा गया था। और दरअसल मामला है क्या, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे दो पक्ष है, मैं अभी बात करता हूँ। कुछ लोग उधर खड़े हैं जिनको इधर नहीं आने दिया जा रहा है किसी कारण, बस मैं उनसे वहाँ जाके स्टेटमेंट लेने की कोशिश करता हूँ कि बात है क्या। जो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी लगा हुआ है वो इसका क्या मामला है? इसका मामला है कि वो सर्वसाधारण बिहार सरकार की जमीन है, खाता नंबर 74, प्लॉट नंबर 39, रकबा करीब 20 एकड़ 75 डिसमिल का है जी, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रांगण और क्षेत्रफल लगभग 6 एकड़ है। तो ये लोग जबरदस्ती असामाजिक तत्व, अवैध हथियार, अवैध विचार के तहत ये लोग आकर मड़ई लगाया। जबकि हम लोग सूचना दिए प्रशासन को, तो यहाँ प्रशासन के लोग, अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी आए, समझाए, फिर भी ये लोग बात नहीं माना। क्या बोले जो प्रशासनिक अधिकारी लोग यहाँ आए थे, उसने क्या संतावना दी आपको? संतावना यहाँ यही दी है कि मैं आप लोग को आश्वासन दे रहा हूँ कि जमीन हमारी है, सरकार की है। हमारे जमीन में जो 2 तला मकान 3 तला बनाता है, हम कानून से उसको गिरवा देते हैं। तो अभी तक झुग्गी झोपड़ी क्यों नहीं हटा? दोबारा पूछे नहीं आप जाकर के? ये प्रशासन का ही देन है कि टाल मटोल हो रहा है। ये 25 जुलाई से आज 29 अगस्त, जैसा कि सुन पा रहे हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि मैंने शासन प्रशासन को इसकी सूचना दी थी लेकिन अभी तक उसके कान पे कोई जू नहीं रह रहा है। उन्हीं का देन है कि अभी तक झुग्गी झोपड़ी लगा हुआ है बाबा साहब के प्रांगण में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश का संविधान देने वाले और सभी को अधिकार देने वाले बाबा साहब हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पे हमारे बीच महिलाएं भी हैं, ये मामला है क्या? दादी, क्या नाम है आपका? प्रभावती देवी। हाँ। क्या मामला है यहाँ बाबा साहब में जो झुग्गी झोपड़ी लगी है, उसका क्या मतलब है, कहाँ लगा है? जबरी लगल है हमारे बाबा। कहाँ के लोग हैं लगाने वाले? इस्माइलपुर बरगट्टा। क्या बोल रहे हैं वो लोग? बिल्कुल मार है, हमारे बाबा साहब को चाहत बढ़ गया फील्ड। आप बाबा साहब की फील्ड चाहते हैं वहाँ पर, कि बाबा साहब के नाम पे फील्ड छूटे? हाँ। लेकिन वो लोग क्या चाहते हैं? मैं अपन कहता हूँ कि घर बनाएंगे। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे यहाँ पे स्थानीय, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि दरअसल और चीज़ें क्या हैं, थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं कि ये आखिर झगड़ा हो क्यों रहा है? सरकार तो जमीन की, अरे जमीन जो है सरकार की है, इसमें बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है, अब इसमें दूसरे लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? सर, वो बसने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कहना कि हम लोग जबरदस्ती बसेंगे इसमें। अच्छा, बसने के लिए जी। तो आप क्या चाहते हैं इस पर? हम लोग चाहते हैं कि हमारे पंचायत में कोई फील्ड नहीं बड़ा, इससे बड़ा इसमें कोई भी सरकारी काम होगा तो इसी जमीन में होगा। आए पड़ती रहे लड़कों को खेलने कूदने के लिए, और किसी का शादी ब्याह होता है तो इसमें जगह रहता है तो बर बरात रुकता है, मगर ऐसा नहीं होता। जैसा कि सुन पा रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है आपका? बेचा राम जी का कहना है कि हम चाह रहे हैं कि ये बाबा साहब के नाम पे जो फील्ड छूटा हुआ है, इसमें हमारा जो हमारे परिवार में चाहे बिरादरी में जो बच्चों की शादी होती है, उस शादी समारोह हम इसमें निपटा सकें, इसके लिए हमारे पास कोई जगह जमीन नहीं है और हम इसके वजह से ये फील्ड छोड़ना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस पर अवैध करना कोशिश कर रहे हैं। मैंने वीडियो में दिखाया है कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी लगी हुई है। आइए हम और लोगों से जानते हैं कि दरअसल चीजें हैं क्या। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? प्रमोद कुमार। कहाँ कराने वाले हैं? भगंदा के। ये जो फील्ड के नाम पे छूटा था बाबा साहब, इसमें कुछ अवैध कब्जा हुआ है, इसमें आपकी क्या राय है, क्या चाहते हैं? हम लोगों का यही राय है सर, दिनों से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का प्रतिमा है, ग्राउंड है, तार से घिरा हुआ था, लोग कुछ असामाजिक तत्व लोग कबाड़ दिए, इसमें लाल झंडे लगाकर लोग मड़ई लगाए हैं, झंडे भी गाड़े हैं,
हम लोग का यही सर राय है कि ये फील्ड रहेगा, इसमें फील्ड बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं खेलते हैं। कोई मंत्री या विधायक का प्रोग्राम भी होता है सर तो कहीं इतना जगह नहीं कि लिया जा सके। इसमें वर्तमान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो है कि मोहम्मद जमा खान भी आए थे, प्रोग्राम लिए थे हम लोग, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि फील्ड रहेगा बहुत दूर दूर से। मंत्री जी से आप मिले थे क्या? बोले मंत्री जी इस मामला को लेकर? मंत्री जी से बहुत पहले आए थे उस समय। ये मामला अभी तक मंत्री के यहाँ नहीं गया है? नहीं सर, ये अभी आप ही लोग के बीच में। इस पे मार झगड़ा भी हुआ था क्या? जी, इसमें मार झगड़ा भी हुआ था, लोग आकर के कुछ लोग देख दो औरत शौच के लिए जा रहे थे, लोग वहाँ इंगल का मारते हुए देखे तो उन लोगों ने बोली, उसी क्रम में उन लोगों ने गाली गलौज करते हुए औरत को मारते हुए। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, स्थानीय जो लोग हैं यहाँ का, उनका कहना है कि जाति वहाँ जाने पे वो लोग जो तार से घेराबंदी किया गया था उसको उखाड़ने पे जाति सूचक गाली दिया गया, जैसा कि ये कानून अपराध है। मैं और भी लोग हैं यहाँ पे स्थानीय, क्या नाम हुआ आपका? सुद्धू जी, ये बताइए कि ये जो मामला है इतना सामने आया है, इसमें आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? फील्ड रहेगा, फील्ड रहेगा। बाबा साहब का स्थापना है यहाँ, बाबा साहब लोग कह रहे हैं कबारने के लिए, हम लोग चाहते हैं कि फिर बाबा साहब रहेंगे यहाँ पे। जी, सुन पा रहे हैं आपकी लोग कहना, उनका कहना है कि नहीं, ये मूर्ति यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ हम अपना घर बनाएंगे, हमारे पास कोई जगह जमीन नहीं है। ये जो मामला है, ये जो लड़ाई है, ये गवर्नमेंट से होनी चाहिए, ना कि आपस में होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट के तरफ से? हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से यही चाहते हैं कि हम लोग का फील्ड है, फील्ड रहेगा, सरकार से हम लोग की लड़ाई है। किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास गए थे आप? प्रशासन डीएम साहब के यहाँ गए थे, डीएसपी साहब के यहाँ गए थे, सीओ साहब के यहाँ गए थे। क्या बोले वो? सी एल आर के यहाँ सब आश्वासन दिया था कि इसको हम लोग इसके देखते हैं। सारे अधिकारी का कहना है कि हम देखते हैं, कब देखेंगे, जब दो चार मर्डर हो जाएगी तब देखेंगे। आइए हम मामला का और तह से जानने की कोशिश करते हैं, जो हमारे बीच यहाँ पे बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मुरली राम। मुरली राम, बरघट्टा इस्माइलपुर से। बरघट्टा इस्माइलपुर, क्या चाहते हैं आप यहाँ पे? सर, ये बाबा साहब का फर्ज चाहते हैं। सारे लोग का कहना है कि बाबा साहब का फील्ड यहाँ बने, न कि यहाँ पे किसी तरह की कब्जागिरी हो। महिलाओं का कुछ कहना है कि वो लोग शौच के लिए यहाँ से बाहर निकल जाती हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लोग वहाँ के धमकी देते हैं, मारते हैं। चीज़ें क्या है, आइए मैं उनसे जानना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका बहन जी? लक्ष्मीना देवी। क्या आपके साथ घटना होती है जब आप? अरे, घटना का बाहर भीतर जाते हैं, तो कुल मारत बना, गरियावत बना, भगावत बना, वो मौजा में मत जा, जा तो अपने अपने मौजा में रहा जा, इस्माइलपुर में मत जा। क्या चाची, सही बात है ये? कोई बच्चा दर्द नहीं की जात बाहर भीतर के सीजनी भर में तुम्हारे डाने के मैं ये स्थानीय जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, मैं उनसे उनको बताना चाहता हूं, उनके तक संदेश मैं पहुंचाना चाहता हूं लोगों का, कि देखिए किस तरह से महिलाओं के ऊपर अभी भी, जबकि देश आज़ाद हुए कितना साल हो गया और बाबा साहब का दिया संविधान है जिसमें महिलाओं को खास करके 50% आरक्षण दिया गया कि आपको बराबरी का हक है, लेकिन यहाँ पर उनके साथ कितना जातीय हो रहा है आप ही देख सकते हैं, जो इधर की शासन प्रशासन उसके कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।